भाषा का कोई भी शब्द होता है वो अपने आप में नहीं आता, उसके पीछे उसका कोई इतिहास, कोई परंपरा और उसकी संस्कृति बहुत कुछ होता है। और हम चूंकि उस शब्द की गहराई तक नहीं जा रहे, उनके उन अर्थों को और निहितार्थों को नहीं समझते और हम केवल अपने अल्प ज्ञान के कारण उन शब्दों का और उस शब्दावली का प्रयोग करते चले जाते हैं। और उसका होता यह है कि जो संदेश हम साहित्य के माध्यम से समाज में देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, वो नहीं दे पाते। तो ये मैं वो साधुवाद देना चाहूँगा उनको कि उन्होंने उस बात को बहुत ज़्यादा जोर के साथ में और बहुत विस्तार के साथ में उन्होंने उस चीज को बताया। हम एक ऐसे समय में आज इस आयोजन के माध्यम से इकट्ठे हैं कि जब देश के अंदर एक अलग तरह की उथल पुथल है और हलचल, और ये उथल पुथल केवल राजनीतिक स्तर पर हम देखते हैं वहां नहीं है, उससे कहीं अधिक गहरी ये हलचल समाज में है। और समाज में इस रूप में है कि आए दिन हम अखबारों में तो घटनाएं कम आती हैं, टेलीविजन पर तो उससे भी कम, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर एक घटनाएं सारी खबरें सब आ रही है कि किस तरह से दलितों को इसके आगे बहुजन समाज के दूसरे जातियों के लोगों पर, अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर किस तरह से चुन चुन कर पहचान कर और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो एक विचार का बिंदु इसमें है कि ऐसे कई लोगों को मारा पीटा गया, उत्पीड़ित किया गया और इतना ही उनके मुंह में पेशाब तक किया गया कि वो जय भीम क्यों बोलते हैं और उनसे जय भीम कहना बंद कर जय श्री राम के नारे लगवाए। एक ऐसे समय में हम लोग, क्या कारण है कि जय भीम सुनना एक खास लोगों को इतना गहरे तक उनको प्रभावित कर रहा है, उनको अस्वीकार हो रहा है या उनको चुनौती की तरह लग रहा है? कारण साफ है और ये हमारी राजनीति को भी सीखना समझना चाहिए और समाज चिंतकों को भी समझना चाहिए कि अब जो संघर्ष है उस संघर्ष विचार का है, पहले भी रहा है लेकिन पहले या गांधीवाद के नाम पर, लोहियावाद के नाम पर, मार्क्सवाद के नाम पर बहुत सारे विचार हमारे और उनको उस विचारों के आलोक में, उस चेतना के आलोक में हमारे राजनेता और हमारे समाज के बीच काम करने वाले लोग बहुत सारे चलते रहे। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि गांधीवाद खत्म हो चुका है, लोहियावाद खत्म हो चुका है, नेहरूवाद खत्म हो गया, मार्क्सवाद के प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं रह गया, ये सब ध्वस्त हो चुके हैं। अब यदि कोई एक विचार या वाद कोई सबसे अधिक सशक्त और जीवित है कि जो ब्राह्मणवाद को चुनौती दे रहा है तो उसे ध्वस्त कर सकता है, वो अंबेडकर। तो इसलिए ये पूरी कोशिश ये हो रही है कि अंबेडकरवाद के प्रभाव को कैसे रोका जाए, इसमें जय भीम कहने वाले लोगों को उत्पीड़ित किया जाए ताकि उसका असर दूसरे लोगों पर पड़े और लोग जय भीम कहना बंद कर दें। और दूसरी एक और हमें सावधान रहने की जरूरत है, आज वे लोग भी जय भीम कह रहे हैं और हमसे जय भीम करते हैं जो हमारे जय भीम कहने वाले भाइयों का उत्पीड़न करते हैं या उनके मुंह में पिटाते हैं।
भी तो हमसे ज्यादा बढ़ चढ़कर बाबा साहब अंबेडकर की जयंतियां मनाते हैं, वो ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं, बड़े जयकारे लगाते हैं, लेकिन वो अंबेडकरवाद को उतना ही प्रदूषित करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बाबा साहब अंबेडकर का सांप्रदायिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम बाबा साहब अंबेडकर को या अंबेडकरवाद को उसके सही अर्थों में सही मूल्यों के साथ हम कैसे उसको जीवित रखें और कैसे उसे हम आगे एक मिनट का बात मैं कहूंगा कि आज के समय में जो ये सब चीज हम देख रहे हैं, जैसा अभी बौद्ध जी ने कहा कि गंगा का उल्टा बहना या भारत का नाम हिंदुस्तान ना होना, एक लेखक होने के नाते और एक विद्यार्थी होने के नाते मेरे दिमाग में भी कई तरह के सवाल आते हैं। जैसे भारत ये पुरुषवाचक संज्ञा है, लेकिन आजकल भारत माता कहा जा रहा है वो स्त्रीवाचक। हमको जो बचपन में भी हमने पढ़ा सुनते आए हैं उसकी प्रामाणिकता पर नहीं जा सकता कि यहां कोई भरत नाम का राजा था और उसके नाम पे धरती का नाम भारत था, तब भी ये पुरुषवाचक संज्ञा होती है। लेकिन फिर इसको हम भारत माता कैसे कह सकते हैं? क्या एक प्रवाह में बहना कि गाय को माता कहना, धरती को माता कहना, गंगा को माता कहना और यहां तक कि सारी नदियों को माता कहना, यानी जो चीजें जहां से हमको जीवन मिलता है, जहां से हमको चेतना मिलती है, जहां से हमको ऊर्जा मिलती है, उन सब सारे स्रोतों को मां के साथ जोड़ देना और फिर उसी मां को अनेक तरह की शोषण की, निषेधों की, वंचनाओं की जंजीरों में जकड़ देना और वहां से यदि वह मुक्ति की कोशिश करे तो उसके ऊपर विभिन्न तरह की टिप्पणियां, विभिन्न तरह के लांछन और विभिन्न तरह का से उसके ऊपर अलग तरह से उसका दुष्प्रचार या उसका उपयोग कर। हमको इस दौर में विशेष रूप से कि जब मां शब्द पर इतना जोर हो रहा है तो हम मां यानी स्त्री, हम स्त्री का कितना सम्मान करते हैं, हम स्त्री को अपने जीवन में कितनी जगह देते हैं, ये कम से कम हम लोगों का तो जरूर हमें सोचना चाहिए। वो कितना देते हैं समय, वो उसकी सम्मान या जगह, उस पर हम नहीं जाते क्योंकि हम बाबा साहब अंबेडकर की विचारों की चेतना से लैस हैं। बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने संविधान में स्त्री को भी एक समान व्यक्ति मनुष्य के रूप में माना कि पुरुष स्त्री सब समान है, एक समान मूल्य है उसका और किसी तरह का कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है और स्त्रियों को के लिए उन्होंने जीवन में जितने सारे काम किए वो सब अब दोहराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समय कम है, लेकिन उन्होंने जिस बात को लेकर के हिंदू कोड बिल को लेकर के जो अपना मंत्री पद तक त्यागा था वो स्त्रियों के अधिकार का मामला था। तो हम कितना देते हैं और ये मैं इस संदर्भ में थोड़ा सा और जोड़कर कह रहा हूँ, अभी मुझसे बाहर कोई पूछ रहे थे कि ये दलित समाज का शोषण से मुक्त कैसे हो सकता है, कब हो सकता है। मैं दोहरा रहा हूँ इस शब्दों को कि हमारे लोग जब तक मंदिरों में जाते रहेंगे, जब तक बाबाओं के प्रवचन सुनते रहेंगे, जब तक हिंदुओं के मेलों में जाते रहेंगे,
जब तक वो ब्राह्मणों से अपने अनुष्ठान करवाते रहेंगे तब तक हमारे लोगों का, हमारे समाज का शोषण होता रहेगा। जिस दिन हम इनसे मुक्त हो जाएंगे हमारा समाज शोषण से मुक्त हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की उस चेतना से, बुद्ध की उस चेतना से, उस प्रज्ञा में अपने आप में हम थोड़ा सा उसके प्रकाश में अपने आप को अवलोकन करने की कोशिश करें, बढ़ने की कोशिश करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।